नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूं, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों दोस्तों वह स्टॉक है टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड का। दोस्तों TTML का शेयर शुक्रवार के दिन 21.75 रुपए पर बंद हुआ है। दोस्तों आप लोग चाहें तो अभी इसमें यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड की बात की जाए तो यह एक इंडियन ब्रॉडबैंड एंड टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों इसके जो फाउंडर थे वो रतन टाटा जी हैं और इसकी स्थापना दोस्तों 1996 में हुई है और ये टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों वह फिक्स्ड लाइन टेलीफोन, फिक्स्ड लाइन इंटरनेट ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल टेलीविजन, नेटवर्क सर्विसेज, यह इसमें सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके जो मेंबर्स हैं दोस्तों वो 45 मिलियन से भी ऊपर हैं और इसकी दोस्तों जो सब्सिडायरीज है यानी कि इकाई है वो टाटा स्काई जो चलता है दोस्तों वह TTML इसी की ही इकाई है। तो दोस्तों यह टाटा ग्रुप का कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, रतन टाटा जी की यह कंपनी है। और आप लोग जानते हैं कि टाटा ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि ये टाटा टेली सर्विसेज की जो बोर्ड मीटिंग है दोस्तों वह 10 फरवरी को है। 10 फरवरी को इसकी बोर्ड मीटिंग है और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। दोस्तों 10 फरवरी को क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। यहां से यह स्टॉक बाउंस बैक के लिए तैयार है और यह यहां से बहुत तेजी से भागने वाला है। दोस्तों आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखना, मैंने 11 से 12 रुपए में इसको बाई बोला था और कुछ ही दिनों में यह 21.75 रुपए पर आकर रुका है यहां पे, यानी 21.75 रुपए इसकी प्राइस हो गई है। आप मेरे वीडियो देखना, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही डाला था टाटा टेली सर्विसेज का, जब यह 11 से 12 रुपए था तब मैंने इसको बाय बोला था। अगर आप लोगों ने किसी ने बाय किया होगा तो वह अभी प्रॉफिट प्रॉफिट में ही होगा। आप मेरा ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, मैंने ये रिकमेंड किया था 11 से 12 रुपए के लेवल में। और दोस्तों अब इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं 10 फरवरी 2021 को, तो सुनने में आ रहा है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों, और यहां से यह स्टॉक एक लंबी छलांग लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह टाटा ग्रुप का शेयर है, रतन टाटा जी का शेयर है। और टाटा ग्रुप को तो आप जानते ही हैं, इसके पास कितना कैश है और इसकी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे TCS हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा केमिकल्स हो गया, टाटा कॉफी हो गया और भी बहुत सारे स्टॉक हैं दोस्तों जो कि टाटा ग्रुप का आपने देखा होगा कि कितना ऊपर चल रहा है। टाटा स्टील को भी आप देख लीजिए, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, टाटा स्टील, बहुत सारी जो कंपनियां हैं दोस्तों ये टाटा ग्रुप में, वो सब की सब दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों टाटा ग्रुप के शेयर हैं, जैसे टाटा पावर हो गया, इंडियन होटल्स हो गया, तो बहुत सारे शेयर हैं टाटा ग्रुप के, उन्हीं में से ये TTML है। और आप दोस्तों चार्ट को ही देख लीजिए, इसने 2007 में
57 रुपए 30 पैसे का हाई लगाया था। उस लेवल को यह बहुत ही जल्दी टच करने वाला है। अब यहां से कोरोना के कारण टाटा ग्रुप के जो शेयर हैं सस्ते दामों पर चले गए थे, लेकिन अब बिजनेस दोबारा से ग्रोथ करने लगा है, दोबारा से डिमांड चालू हो गई है, वैक्सीन भी आ गई है। यहां से यह शेयर एक लंबी छलांग लगा सकता है। तो दोस्तों जैसा चार्ट में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया है। तो दोस्तों इसका आने वाला समय बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में टाटा टेली सर्विसेज नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है और कई विदेशी निवेशक, कई बड़े इन्वेस्टर्स इसमें आकर निवेश कर सकते हैं। अभी इसका जो स्टॉक है दोस्तों काफी सस्ता है, यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। आने वाले समय में यह शेयर बहुत ही ऊपर जाने वाला है, तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों टाटा टेली सर्विसेज यानी TTML की शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें 74.76% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। उसमें से दोस्तों टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड 48.3% की होल्डिंग है और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की दोस्तों इसमें 19.58% की होल्डिंग है। टाटा पावर कंपनी की भी इसमें 6.48% की होल्डिंग है। मतलब टाटा ग्रुप के काफी बड़ी कंपनियां इसको होल्ड कर रही हैं, जिनमें से दोस्तों टाटा सन्स भी होल्ड कर रहा है। तो यहां पे दोस्तों आप लोग पोजीशन बना सकते हैं। और डिलीवरी की बात की जाए दोस्तों तो डिलीवरी 100% की हो रही है रोजाना, मतलब इसका माल उठाया जा रहा है। आगे चल के इसके शेयर बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं और इसमें बहुत ही अच्छी न्यूज आने वाली है। रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट जो कि 10 फरवरी को इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, काफी अच्छे आने वाले हैं और आने वाले समय में इसमें कई नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें निवेश करने वाले हैं। तो आने वाला समय इसका काफी बेहतर है। और सबसे बड़ी बात कि टाटा ग्रुप के पास बहुत कैश है दोस्तों, वो कंपनी को ना तो कभी डूबने देगी और उसका बिजनेस हमेशा ग्रोथ ही करता रहेगा। और आने वाले समय में दोस्तों टाटा सन्स इसके जो शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उनको मार्केट में परचेज करेगा और आने वाले समय में यह स्टॉक बहुत तेजी से भागने वाला है, जैसा कि उसने टाटा मोटर्स में भी किया है। टाटा सन्स ने बहुत सारे शेयर्स बाय किए हैं टाटा मोटर्स के और आप देख सकते हैं कि किस ऊंचाई पर पहुंच गया है टाटा मोटर्स। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आप लोग इसके जो TTML का स्टॉक है उसको कैश में बाय कीजिए और उसके शेयर की जो डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको 10 से 11 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 10 से 11 सालों में यह स्टॉक 1,000 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि यह टाटा ग्रुप का शेयर है, रतन टाटा जी का शेयर है और टाटा सन्स कभी भी बहुत बड़ी मात्रा में इसके जो शेयर हैं वो परचेज कर सकता है, वो भी मार्केट प्राइस में। और अभी 10 तारीख को दोस्तों इसके क्वार्टरली रेंट आ रहे हैं जो कि काफी अच्छे आने वाले हैं और यहां से ये स्टॉक बहुत ही तेजी से भागने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों शॉर्ट टर्म का इसका जो टारगेट है वह 60 रुपए का है, वह बहुत ही जल्दी आने वाला है। मीडियम टर्म का दोस्तों उसका इसका जो टारगेट है वह 200 से 300 रुपए का है, वो भी जल्दी आ जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है दोस्तों वो 1,000 रुपए का है, जो कि अगर आप 10 से 11 साल के लिए इसको होल्ड कर लेते हैं तो आप जैसा चाहें वैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म का भी, मीडियम टर्म का भी और लॉन्ग टर्म का भी, आप तीनों तरह के फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट में फायदे में ही रहने वाले हैं। और बाई चांस अगर ये स्टॉक नीचे आया तो वहां पे भी आप इसको एवरेज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने 11 से 12 रुपए में इसको बाइक के लिए बोला था और अभी यह 21 रुपए 75 पैसे पर आ चुका है। यहाँ पे भी अभी बाइक का दोस्तों मौका है, आप लोग चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। आप लोग कैश में बाय कीजिए, यह स्टॉक बहुत ही जल्द बहुत तेजी से भागने वाला है, तो आप लोग चाहें तो इसमें अभी पोजीशन बना के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो दोस्तों उस स्टॉक का वीडियो आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।